नमस्कार दोस्तों, निर्गुंडी शरीर की रोगों से रक्षा करता है। सी ऐसे बीमारियों में रामबाण औषधि माना जाता है। 6 से 12 फुट ऊंचा इसका पौधा झाड़ीनुमा सूक्ष्म रोमों से ढका रहता है। पत्तियों की पहचान किनारों से की जा सकती है। इसके फल छोटे गोल एवं सफेद होते हैं। यह कफ बात शामक औषधि के रूप में मानी जाती है, जिसे श्रेष्ठ वेदनास्थापन अर्थात दर्द को कम करने वाला माना गया है। यह भरने वाले गुणों से युक्त है। आइए अब इसके औषधीय प्रयोग से हम आपके रूबरू कराते हैं। इसके पत्तों को कूटकर टिकिया बनाकर अगर दर्द पर वाली जगह पर बांध दिया जाए तो यह दर्द को तुरंत कम कर देता है। आपकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर अगर पियेंगे तो कुरला करने से मात्र गले का दर्द दूर हो जाएगा। यदि किसी को मुंह में छाले हो गए हों या गले में किसी प्रकार की सूजन हो तो हल्के से गुनगुने पानी में निर्गुंडी तेल एवं थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारे करने से लाभ मिलता है। यदि होंठ कटे हों फिर केवल उनके तेल को लगाने से लाभ मिल जाता है। किसी भी प्रकार का कान दर्द हो तो निर्गुंडी की पत्तियों के तेल को शहद में मिलाकर 1-2 बूंद की मात्रा कानों में डाल दें, निश्चित लाभ मिलेगा। धीमी आंच पर निर्गुंडी के पत्तों को लगभग 0.5 लीटर पानी में पकाकर चौथाई शेष रह जाने पर 10-20 ml मात्रा में दिन में 2-3 बार खाली पेट देना साइटिका जैसी स्थिति में भी प्रभावी होता है। निर्गुंडी के चूर्ण को सुंठी के चूर्ण के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर लेना सेक्सुअली एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। मांसपेशियों की सूजन में निर्गुंडी की छाल का चूर्ण 5 ग्राम मात्रा में देना लाभकारी होता है। सर्दी जुकाम और बुखार में भी इसके तेल की मालिश रोगी के लिए बहुत ही आरामदायक होती है। किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो या जोड़ों के दर्द हो, सूजन इसके पत्तों को गर्म कर बांध कर उपनाह देने से सूजन और दर्द में कमी आती है। हालांकि आयुर्वेदाचार्य का कहना है कि इस पौधे की पत्तियों को खाने से कैंसर जैसी बीमारी भी दूर हो सकती है।